हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये असियाना दिघा रोड है, सामने केनरा बैंक है। हम लोग पीपीसी ऑफिस में जा रहे हैं, पीपीसी वर्क फ्रॉम होम ऑफिस में हम लोग जा रहे हैं। ये असियाना दिघा रोड है, इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे एक केनरा बैंक है, केनरा बैंक के हम लोग सामने जाना है। ये यहाँ पे बड़ा सा बिल्डिंग है, ये पासपोर्ट ऑफिस है। पासपोर्ट ऑफिस के हम लोग को सीधे जाना है एकदम। हम लोग पीपीसी ऑफिस में जा रहे हैं जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड किया जाता है। देखिए यहाँ पे पीपीसी की बोर्ड भी लगी हुई है एक छोटा सा। ये पासपोर्ट ऑफिस है, पासपोर्ट ऑफिस के हम लोग को सीधे जाना है। ये पासपोर्ट ऑफिस का मेन गेट है, इससे हम लोग को थोड़ा सा आगे और बढ़ना है। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद आप राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे मुंडेश्वरी इनक्लेव है। मुंडेश्वरी इनक्लेव के ठीक सामने एक रोड जा रही है, इस रोड में हम लोग को जाना है। यहाँ पे मुंडेश्वरी इनक्लेव है, इसके ठीक सामने एक रोड जा रही है, इस रोड में हम लोग को जाते जाना है आगे। ये मंदिर शाह लेन बोला जाता है इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बोर्ड और लगी हुई है, इसके हम लोग को सीधे जाना है। इससे आगे हम लोग को जाते जाना है, थोड़ा सा आगे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलो कलर का एक अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट के ठीक सामने एक थर्ड फ्लोर का बिल्डिंग है, यहाँ पे अनिकेत ग्रुप का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनिकेत ग्रुप का बोर्ड लगा हुआ है। इस गेट से हम लोगों को थर्ड फ्लोर पे जाना है। सामने जाना है, सामने की तरफ सीढ़ी है, हम लोग को थर्ड फ्लोर पे जाना है। यहाँ पे हम लोग थर्ड फ्लोर पे पहुँच चुके हैं। थर्ड फ्लोर पे आने के बाद यहाँ पे देखिए पीपीसी पेपर कॉल का बोर्ड लगा हुआ है। राइट साइड में शायद ऑफिस है, हम लोग इंटर करते हैं, देखते हैं क्या प्रोसेस हो रही है। गुड आफ्टरनून सर। एक यहाँ पे सर बैठे हुए थे अभी। यहाँ पे पीपीसी वर्क फ्रॉम होम का बोर्ड भी लगा हुआ है। देखते हैं अंदर क्या वर्क हो रही है। मैं मैम से बात करता हूँ आखिर यहाँ पे क्या वर्क होती है। हेलो मैम जी, नमस्कार सर। क्या वर्क करते हैं मैम आप यहाँ? यहाँ पीपीसी कंपनी हमारी सर, जिसका पीपीसी हम थ्रू हम लोग वर्क करते हैं सर ऑनलाइन। पीपीसी में क्या वर्क करते हैं सर? हमारी कंपनी सर वर्क फ्रॉम होम जॉब प्रोवाइड करती है सर। इसका कोई रजिस्ट्रेशन फी वगैरह नहीं सर? रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारी कंपनी का फी लगती है 1000 सर। यहाँ पे मैंने मैम से बात किया, मैंने देखा कि यहाँ पे क्या वर्क हो रही है। अभी हम लोग सर से बात करेंगे।
हेलो सर, क्या वर्क करते हैं आप यहाँ पे? वर्क फ्रॉम होम जॉब प्रोवाइड करते हैं सर। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम जॉब प्रोवाइड कराते हैं आप लोग। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। यहाँ पे देखिए वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, सर बैठे हुए हैं। यहाँ पे पीएम वानी का भी बोर्ड लगा हुआ है, शायद यहाँ पे पीएम वानी का भी वर्क होता है। अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या वर्क हो रही है। देखिए यहाँ पे हमारे जेंटो लोग, देखिए यहाँ पे वर्क हो रही है, हम लोग बात करेंगे आखिर क्या वर्क होता है यहाँ पे। हेलो मैम, क्या वर्क करते हो आप यहाँ पे? सर मैं पीपीसी वर्क फ्रॉम होम का वर्क करती हूँ, हमारे यहाँ से जॉब प्रोवाइड कराई जाती है। जॉब प्रोवाइड कराई जाती है। वर्क फ्रॉम होम, अभी हम लोग सर से बात करेंगे, देखेंगे क्या प्रोसेस होता है यहाँ पे, कितना चार्ज है, कैसे वर्क होता है, अभी हम लोग सारी डिटेल जानेंगे। अभी हम लोग सर से बात करेंगे क्या प्रोसेस है, कैसे वर्क होता है, ठीक है। हेलो सर। हेलो, क्या क्या वर्क होती है सर यहाँ पे, आप मुझे बताइए थोड़ा। जैसे कि हमारी कंपनी पीपीसी आपको वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी पेश करता है, हमारे साथ आप जुड़ के आप किसी भी कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको पर रजिस्ट्रेशन 1000 का पेमेंट करना होता है कंपनी को, जिसमें 500 कंपनी को जाएगा, 500 आपको मिलेगा जितना भी आप कस्टमर यहाँ से जुड़। यहाँ पे मंथली और वीकली दोनों आप पे आउट ले सकते हैं, जितना भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर एक सप्ताह में आपने जितना दो कस्टमर पाँच कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करवाया उसका पेमेंट आप ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप उसका मंथली के लिए भी आप पेमेंट ले सकते हैं, तो वो पेमेंट जो होगा वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में ऐड होगी। ठीक है सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस होता है, आप भी ऑफिस आइए, आप विज़िट कीजिए अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे जानकारी के लिए आया था कि क्या वर्क होती है, कैसे वर्क होती है, मुझे अच्छा लगा। आप भी आइए और यहाँ पे आप आकर समझ लीजिए, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कीजिए, काम कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।